मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ पंकज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ काजा के लिए। एक्चुअली हाँ, बहुत लंबा ट्रिप है, तो एक दिन में तो होने वाला नहीं है। मैं यहाँ से रुकूँगा अभी या तो सरहन या फिर रामपुर बुशहर में। और अभी मैं अराउंड 200 किलोमीटर चला चुका हूँ बाइक। लेट हो गया बहुत। एक्चुअली सुबह निकलना था 5 बजे, निकला मैं 6:15 बजे, 1.25 घंटा लेट हूँ। तो प्लान था कि मैं सरहन में रुकूँ, लेकिन सरहन मैं पहुँच नहीं पाऊँगा टाइम से, और मैं रात को राइड करना नहीं चाहता। बाकी मैं हूँ अभी हवेली, जहाँ ब्रेकफास्ट किया है। यहाँ से बस अब ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, निकलता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ रेस्टोरेंट, और उसके बाद बाइक, उसके बाद निकलते हैं सीधा हम यहाँ से शिमला के लिए। शिमला से आगे रास्ता जो है वो है, यहाँ से अभी जाना है हमें जीरकपुर, जीरकपुर से जाना है पंचकूला, पंचकूला से जाना है हमें शिमला, शिमला से जाना है आगे, शिमला के आएगा रामपुर, रामपुर के आएगा बुशहर, रामपुर बुशहर आएगा, उसके बाद आएगा सरहन, सरहन के आएगा रेकोंगपियू, उसके बाद नाको टाबो, और उसके बाद काजा। आज जो प्लान है रामपुर बुशहर तक रुकने का है। ट्राई करते हैं पहुंच जाएं टाइम से। 5 से 6 का टाइम दिखा रहा है जो गूगल दिखा रहा है। ये है मेरी बाइक कावासाकी, वो है 650। और यहाँ पर मैं हूँ अभी हवेली। मौसम हो रहा है थोड़ा सा बारिश का सा, बस आए ना यार, क्योंकि एक्चुअली मैं जो कवर है ना अपने बैग्स का उलाना भूल गया हूँ जल्दी जल्दी मैं सुबह। तो चलो चलते हैं आगे, राइड कंटिन्यू करते हैं। सो ब्रेकफास्ट हो गया, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा जीरकपुर के लिए। एक्चुअली सीधा रास्ता जाएगा वो जाएगा हमें मनाली साइड। हमें एक अभी फ्लाई ओवर आएगा थोड़ी देर में, मतलब अभी टाइम है उसमें। अभी तो पहले वो धनुष वाला वो आएगा, जो बोर्ड है धनुष बना हुआ है जो, तो उसके क्रॉस करने के बाद हम एंट्री लेंगे जीरकपुर, पंचकूला और शिमला। मौसम ऐसा रहे बस बारिश ना आए। फाइनली धनुष आ गया और अम्बाला कैंट को हम क्रॉस कर रहे हैं। इस धनुष का वेट था काफ़ी देर से, अभी चल चुकी है बाइक अराउंड 225 किलोमीटर। और यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है अगर मनाली जाना है तो, अगर लेफ्ट में रोगे तो ये जा रहा है चंडीगढ़ साइड, और शिमला के लिए यहीं से जाना होता है। इस साइड से राइट ले लेते हैं तो जाता है ये मनाली साइड। तो चलो यहाँ से चलते हैं, अब नीचे से राइट लेंगे फ्लाईओवर के और फिर पहुँचते हैं शिमला। ये रास्ता था चंडीगढ़, यहाँ से नीचे आ गए हम, फ्लाईओवर नहीं चढ़ना ये, तो नीचे से राइट मुड़ जाएंगे, वो जाएगा सीधा शिमला के लिए। और एक्चुअली अगर जाना है तो मनाली इस साइड से भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ता है फिर वो। एक तो मनाली काजा वाला रो है रोड मनाली जाने के लिए, एक दूसरा है आप बीच में से ही कट जाता है रास्ता, वो नालागढ़ होते हुए जाता है, तो वहाँ से भी आप मनाली के लिए आ सकते हो, जो कि निकलता है शायद मंडी के आसपास, नहीं बिलासपुर के आसपास निकलता है वो रास्ता। तो चलो आगे से राइट लेते हैं, फिर थोड़ी देर में दर्शन होंगे हमें पहाड़ों के। अब गर्मी भी लग रही है यार अब तो, और टेम्परेचर अभी है, अभी देखते हैं टेम्परेचर कितना है, बताता हूँ अभी टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर बाहर है 28 डिग्री सेल्सियस, और लेकिन फील ज़्यादा हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। चलो भाई चलो यार, एंट्री हुई है हमारी पहाड़ों में, और देखो दर्शन कर लो भैया पहाड़ों के, बहुत दिनों बाद आए हम तो यहाँ। एक्चुअली बहुत ही से प्लान कर रहा था बट आ नहीं पा रहा था, और ऋषिकेश गया था लेकिन वहाँ पर छोटी सी राइड थी वो तो 2 दिन की, तो मज़ा भी नहीं आया इतना। और इसको मुझे टेस्ट करना था बाइक को अपनी आज,
बहुत दिन हो गए थे कि इसे मैं मतलब कोई भी लॉन्ग राइड में बना ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो मेरी लास्ट राइड थी वो चांशल वाली थी, उसके बाद मेरी कोई राइड हुई नहीं भाई, मेरी किस्मत छुट्टियाँ। तो अब फाइनली जहाँ उसी रूट पे रहूँ, लेकिन अब मैं सीधा काजा के लिए जा रहा हूँ, तो वो रास्ता अलग है। और मतलब मैं लास्ट टाइम 2019 में गया था, वो भी गाड़ी से, लेकिन बाइक से नहीं गया था। तो अब पता चलेगा कि कितना चेंज हुआ है रास्ता। लेकिन जब मैं गया था 2019 में तो रास्ता बहुत ही ख़राब था, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस था वो। और बाकी देखते हैं, अभी तो पहले शिमला तक तो मक्खन रास्ता बिल्कुल बटर स्मूथ है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही गए हैं मैं और ऋषभ भाई ने, हम उन्होंने किया था राइड यहाँ से, इधर से ही गए थे हम रोडू के लिए, रोडू चांशल और जाखा डोडरा कुआर। चलो आगे देखते हैं कैसा है रास्ता। व्यू देखो भाई कितना मस्त आ रहा है यार, सही में देखो पहाड़ों के ऊपर फिर बादल, क्या यार क्या सही सेक्सी व्यू है। इसी के लिए तो आए थे यहाँ, क्या सही व्यू है यार, पूरे में ग्रीनरी ग्रीनरी। आइए ट्रैफिक थोड़ा सा, चलो भाई थोड़ा मौसम हो रहा है बारिश का, लेकिन आने नहीं चाहिए यार, आ गई तो दिक्कत होगी। वी हैव रीच सोलन, सोलन है पूरा ये जहाँ पर हम चल रहे हैं अभी, और शिमला के लिए नीचे आना था और सोलन के लिए ऊपर जाना था रास्ता, हम नीचे आ गए और हम सीधा पहुँचेंगे शिमला, विच इज़ अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर 50, एंड इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स। और भाई अब थोड़ी सी लग रही है भूख, क्योंकि खाना हमने नाश्ता किया था अराउंड 8:30। चलो कोई नहीं, शिमला के बाद ही करेंगे यार, लंच तो वहीं होगा, एक वाटर ब्रेक लेंगे बीच में और थोड़ा बाइक को भी रेस्ट देंगे, थक गई होगी बेचारी ये भी। ये देखो सोलन भाई साहब, ऊंचाई ऊंचाई तक बिल्डिंग बना रखे हैं इन्होंने। चलो यार कहीं रुकते हैं, पानी पीते हैं, फिर दोबारा चलते हैं सोलन क्रॉस करके। सो शिमला में होगी एंट्री, यहाँ से सीधा जाएंगे शिमला, अगर यू टर्न ले लेंगे तो ये जाएगा रास्ता मनाली के लिए। और शिमला में हमने ले ली फाइनली एंट्री, बहुत टाइम लग गया एक्चुअली, अभी दोबारा रुका था मैं, एक तो पहले वाटर ब्रेक, फिर एक साइकिलिस्ट मिल गए, तो केरल से आए हुए थे 9 महीने से भाई राइडिंग कर, तो साइकिल चला रहे हूँ। और उसके बाद मैंने चेन ल्यूब कराई, थैंक्स टू बजाज उन्होंने कर दी। तो उसके बाद हम पहुँचे शिमला, और भाई मौसम हो रहा है यहाँ ख़तरनाक, उस साइड में अगर दिख सकता है तो वहाँ पूरे में बादल ही बादल हैं, और आगे हो सकता है बारिश भी हो रही हो। तो मैं अब शिमला क्रॉस करके थोड़ा करता हूँ पेट पूजा, आई विल हैव लंच हियर एंड देन विल गो फॉरवर्ड टू रामपुर बुशहर। अब यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं, एक रामपुर के लिए, एक मशोबरा नालडेड़ा तत्तापानी सुन्नी, हमें जाना है रामपुर, हम लेंगे राइट और हम चढ़ गए राइट में। और भाई मौसम बड़ा गंदा हो रहा है, देखो वो देखो भाई कितना बुरा हाल है, मतलब बारिश बहुत ही तेज आएगी, कुछ नहीं बचेगा भीगने से, कुछ सब कुछ गीला होगा यार, अभी ना आए बस बारिश ना, रामपुर पहुंच जाऊँ उसके बाद आ जाए रात रात में, दिन में ना वो भी। सो हैड माई लंच हियर, और अच्छी जगह है, लास्ट टाइम भी यहीं खाया था मैंने जब मैं चांशल राइड कर रहा था। अब निकलते हैं यहाँ से रामपुर के लिए, 3 घंटे का रास्ता है, 107 किलोमीटर्स टू गो, और थोड़ा ठंड हो गया यहाँ पर, तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, निकलते हैं क्योंकि अंधेरे से पहले पहुंचना है। 3:30 बज चुके हैं, ट्राई करते हैं
6 बजे तक पहुंच जाएं। वैसे ये इम्पॉसिबल टास्क है 6 बजे तक पहुंचना, लेकिन विल ट्राई। कोहरा बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और अभी तो चलो काम चल रहा है, लेकिन अगर और ज़्यादा हो गया तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। अभी तो दिख रहा है विजिबिलिटी है, काफ़ी है, ज़्यादा ना हो उससे पहले हम थोड़ा नीचे उतर जाएं पहाड़ों पर, तो ज़्यादा अच्छा है। पता नहीं कौन सी जगह है ये, क्या सही झरना बह रहा है, और ये भाई बाइक साफ कर रहे हैं। सही है यार, बढ़िया है, ये है जन्नत। अभी रह गया 70 किलोमीटर अराउंड रामपुर, लगेगा 1.5 घंटा और। 4:40 हो चुके हैं अराउंड, हम पहुंचेंगे 1.5 ज़्यादा घंटा लगेगा, हम पहुंचेंगे 6:30 तक, ऑलमोस्ट 2 घंटे और लगेंगे ये पहुंचने में। टाउन से इतना बाइक भाग नहीं सकती जितनी चल सकती है, चल रही है। और यहाँ तो सेव ही सेव है भाई, चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अब थकावट महसूस हो रही है यार, थोड़ा सा कुछ चाहिए, नाउ आई नीड अ पुश। इसलिए सोलो राइड करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ये पहुंच गए हम नारकंडा, ये नारकंडा ही है, मतलब 1-2 किलोमीटर का दिखा रहा है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स हैं, मौसम ठंडा हो रखा है यहाँ पर यार, वो ठंड भी लग रही है एक तो मुझे हल्की हल्की, और अब थकावट महसूस हो रही है क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से राइड कर रहा हूँ कंटिन्यूस, और अब 5 बजने वाले हैं, मुझे 11 आवर्स हो चुके हैं, और अभी 1.5 से 2 घंटा और लगेगा मुझे रामपुर पहुँचने में। एक्चुअली ट्रैफिक भी बहुत है, और मतलब चल नहीं पा रही बाइक ज़्यादा तेज़ ना यहाँ पर, और सुबह मैं थोड़ा लेट हो गया था, अगर मैं 1 घंटा पहले निकला होता तो अब तक पहुंच के होता, बट कोई नहीं 6:30 तक पहुंच जाएंगे। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा अंधेरे से पहले पहुंच जाऊँ, और नाइट में मैं राइड करना नहीं चाहता बाइक ना, थोड़ा सा मेरा रहता है कि मैं नाइट में चलाने को चला लूँगा, लेकिन मन नहीं है चलाने का, थोड़ा सेफ भी नहीं होता, इसलिए अब थोड़ा खींचनी पड़ेगी बाइक, खींचूँगा लेकिन। ओके सो चेक्ड इन द होटल, एंड यार बहुत टायरिंग राइड थी यार, मतलब 13 आवर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं राइड करते हुए, भाई थक चुका हूँ। हाँ 7:15 हो गए हैं, बहुत लग गई है यार सही में, 13 आवर्स टायरिंग राइड। और इसके बाद ये जगह मतलब होटल अच्छा मिल गया मुझे थैंकफुली, इस होटल का नाम है KC रीजेंसी, तो रामपुर में इससे अच्छा मेरे को कोई मतलब किसने बताया नहीं। एक स्टार्टिंग में था, वहाँ शादी चल रही थी तो हो नहीं पाया, वहाँ पर एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि शादी में सारा बुक कर रखा उन्होंने। अगर आप यहाँ आना चाहो तो मैं इसका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मतलब नाम इसका KC रीजेंसी है और बहुत फेमस है, याद वैसे ही रहेगा आपको। अगर किसी से पूछोगे कि सबसे अच्छा होटल कौन सा है तो बता देगा कोई भी KC रीजेंसी नाम से। इसका रेंट है 2000, बट मैं रात को ही रुकने वाला हूँ, तो वो अंकल कहते हैं यार अकेले रुकना तुमने तो ठीक है, हम डिस्काउंट कर देते हैं, उन्होंने 1000 रुपये कर दिया, तो मुझे 1000 का पड़ा ये रूम। रूम है कुछ ऐसा, ये टीवी चल रहा है ये, यहाँ पर यहाँ से थोड़ा व्यू है मतलब नीचे का ही है, और ये रूम है, ये सामान मेरा सारा फैला हुआ है, अभी थक चुका हूँ, एक कल दोबारा दिखा दूँगा आपको नीचे से ऊपर तक, मतलब यहाँ का रूम का ढंग से व्यू, और एक नीचे से जो मेन एंट्री है, पार्किंग का एम्पल स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है रामपुर में, आप आके यहाँ रुक सकते हो। चलो यार अगली कल, अब जल्दी सुबह निकलना है, 6 बजे के अराउंड निकलना है कल भी 6 से 7, क्योंकि कल मुझे काजा पहुँचना है जो कि अराउंड यहाँ से 300 किलोमीटर भाई लगने वाली है कल, तो चलो कल मिलते हैं, और मैं करता हूँ रेस्ट, कुछ खाऊँ पहले, भूख लग रही है, चलो कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।